बच्चों अब देखते हैं रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम। ये एक रिवर है और ये जो है डी, ये विड्थ ऑफ रिवर है। डी क्या है? विड्थ ऑफ रिवर। एक आदमी जो है इस डायरेक्शन में कूद गया रिवर के अंदर, वीएमआर उसकी वेलोसिटी है, वीएमआर को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और इसको हमने एक और नाम भी दे रखा है जो किताबों में मिलेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज सेम। अब देखिए, मान लो वो थीटा एंगल बना के कूदा था, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा वी एम आर कॉस थीटा, आपको बताया था एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस होता है। एक हो जाएगा वी एम आर साइन थीटा, वी एम आर साइन थीटा। अब देखिए, किस वेलोसिटी से नदी पार हो रही है? इस डायरेक्शन में नदी पार हो रही है, ये रिवर बैंक है। कौन है ये? रिवर बैंक। एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना है, इसे कहते हैं नदी क्रॉस करना। तो किस वेलोसिटी से नदी पार हो रही है, नदी क्रॉस कर रहा है आदमी? नदी क्रॉस कर रहा है वी एम आर कॉस थीटा से। तो अगर ये पूछे हमसे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर आएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना इसे ट्रेवल करना है? डी। और इसकी क्या है? स्पीड है वी एम आर कॉस थीटा। तो वी एम आर कॉस थीटा इतना टाइम लगेगा इसे नदी को पार करने में। बहुत सिंपल है, नदी की जो विड्थ है या रिवर की जो विड्थ है वो डी है। वीएमआर वेलोसिटी से थीटा एंगल पर इसने जंप किया, तो वीएमआर होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और वीएमआर को हम वेलोसिटी ऑफ मैन स्टिल वाटर भी कहते हैं, तो दोनों चीजें सेम है। तो वीएमआर का हमने दो कंपोनेंट कर लिए, वीएमआर कॉस थीटा, वीएमआर साइन थीटा। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या होगा? कितना होगा टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है डी और स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में इसकी? वी एम आर कॉस थीटा। अब देखते हैं बेटा केस वन। केस वन क्या है? केस वन है टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम, टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में नदी को पार करना चाहता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये विड्थ ऑफ रिवर है डी, और ये है आपका वी एम आर, ये एंगल थीटा था, ये कंपोनेंट था वी एम आर कॉस थीटा, ये कंपोनेंट था वी एम आर कॉस थीटा। तो कितना टाइम इसे लगा था रिवर को क्रॉस करने में? टाइम टेकन टू क्रॉस, टाइम टेकन टू क्रॉस, ये बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, टाइम टेकन टू क्रॉस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। अब ये बताइए डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा, ये टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर है।
टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब पहला केस है टू क्रॉस रिवर मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है। तो फॉर मिनिमम टाइम कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो कितने एंगल पर आएगा सॉल्व करने पर, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। यानी उसे जब वो 0 एंगल पे कूदेगा तब उसे मिनिमम टाइम लगेगा नदी को क्रॉस करने में। तो देखते हैं, जैसे वो 0 एंगल पे कूद गया, 0 एंगल पर कूदने का मतलब है वो इस डायरेक्शन में कूद गया भाई, VMR, ये थीटा की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर, तो VMR इस डायरेक्शन में कूद गया है। अब रिवर की स्पीड भी दे रखी है, रिवर की स्पीड दे रखी है VR बोलो या VRG बोलो, VMR तो तुम्हें पता ही है क्या है, VRG क्या है, VRG है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो या वेलोसिटी ऑफ रिवर बोलो, एक ही बात है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब क्या होगा, अब रिवर जो है इसको धक्का देगी, आदमी इधर जा रहा है, रिवर इसे धक्का दे रही है, तो ये इधर चला जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा एक्चुअली। तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VMG को हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो आगे देखते हैं, ये हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ये दो वेक्टर ऐड करने हैं, ये और ये ऐड करने हैं, तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, चाहो तो वेक्टर का फॉर्मूला लगा लो या पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, VMR का स्क्वायर प्लस VMG का स्क्वायर, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट VRG का स्क्वायर, VRG का स्क्वायर, इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड किया है, VMR का स्क्वायर प्लस VRG का स्क्वायर इज इक्वल टू VMG, तो VMG का स्क्वायर, तो VMG आ गया अंडर रूट ऑफ VMR स्क्वायर प्लस VRG का स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लिया है। अब कितना टाइम लगेगा इसे, वो मिनिमम टाइम क्या होगा, तो मिनिमम टाइम होगा, टाइम का हमने मिनिमम निकाल ही लिया था जब थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 थी, तो मिनिमम टाइम आ गया। अब देखो वो कूदा ऐसे था, रिवर की वजह से वो ऐसे जा रहा है, तो मतलब वो सामने तो पहुंचेगा नहीं, तो आगे खिसक जाएगा, आगे खिसकने को कहते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है, जैसे वो ऐसे गया है डी, लेकिन पहुंच जाएगा इधर, नेट यहां पहुंच जाएगा, तो इसे कहेंगे ड्रिफ्ट। अब देखो ड्रिफ्ट किसकी वजह से कर रहा था, ड्रिफ्ट कर रहा था रिवर की वजह से, ड्रिफ्ट मतलब रिवर की वजह से आगे खिसक रहा था, और जब तक पहुंच नहीं जाता तब तक खिसकता रहेगा। तो ड्रिफ्ट निकालने का तरीका है स्पीड इनटू टाइम, ड्रिफ्ट निकालने का फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम, किसकी स्पीड से खिसक रहा था, अरे बच्चों किसकी स्पीड से खिसक रहा था, VRG रिवर की स्पीड से खिसक रहा था, जब तक पहुंच नहीं जाता वो टाइम हमको मालूम है, वो टाइम मिनिमम है, तो वैल्यू रख दो VRG इनटू टाइम ऑफ मिनिमम, मिनिमम टाइम का डी अपॉन VMR। बेटा इनके अलावा इसमें कुछ पूछते ही नहीं, यही पूछते हैं बस, या तो ड्रिफ्ट पूछेंगे या वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछेंगे, यही पूछेंगे मिनिमम टाइम कितना लगेगा ये पूछ सकते हैं। तो टाइम की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, वो मिनिमम टाइम कितना है, डी अपॉन VMR। आ गया समझ में, बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा। देखो बेटा कितना एक सिंपल क्वेश्चन है, अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब एक आदमी स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर सकता है,
तो ये बेटा कौन सी वेलोसिटी हो गई, वी एम आर। वी एम आर हो गया बेटा 10 किलोमीटर पर आवर। इफ रिवर फ्लोज विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड 5 किलोमीटर है, वी आर कहो या वी आर जी कहो एक ही बात होती है, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर। इन विच डायरेक्शन यू शुड स्विम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम वाला केस पूछ रहा है, मिनिमम टाइम वाला केस क्या होता है, उसे बिल्कुल सामने तैरना होता है जीरो एंगल बना के, मतलब ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एम आर। लेकिन रिवर इसे धक्का देगी तो इसकी नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगी, ये वाला वेक्टर हो जाएगा नेट वेलोसिटी, जिसे मैं वी एम जी कहता हूं, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो ये वाला केस है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा है, इन विच डायरेक्शन यू शुड स्विम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, तो यू शुड गो स्ट्रेट या यू शुड स्विम स्ट्रेट। He should swim straight, straight मतलब नाक की सीध में चले, और theta is equal to zero, zero degree होगा theta। अब टाइम इसे कितना लगेगा, मैंने बताया ना कितना सिंपल होता है, ये डिस्टेंस दे रखा है 2, और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है वी एम आर, तो टाइम जो इसे लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी एम आर, तो डिस्टेंस दे रखा है 2 और टाइम वी एम आर, व्हाट इज द टाइम वी एम आर, वी एम आर जो है वो है 10, तो टाइम लगेगा 2/10 यानी कि 0.2 आवर या 0.2 आवर, इतना टाइम लग जाएगा इसे नदी को क्रॉस करने में। अच्छा ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होता है, जितना ये आगे चला गया मतलब तैर सामने रहा है लेकिन पहुंच आगे गया है, तो इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट, इतना रिवर की स्पीड से ड्रिफ्ट हो गया है। तो ड्रिफ्ट का क्या फॉर्मूला था, रिवर की स्पीड इनटू मिनिमम टाइम, तो रिवर की स्पीड हमको दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड बेटा 5 किलोमीटर पर आवर है, और मिनिमम टाइम जो लगा है वो 0.2 है, तो 5 × 0.2 कितना आ जाएगा सॉल्व करके 1, तो 1 किलोमीटर का ड्रिफ्ट हो जाएगा इसका, 1 किलोमीटर ये आगे पहुंच जाएगा, सामने नहीं पहुंचेगा, 1 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा, इसी को हम ड्रिफ्ट कहते हैं।